नमस्कार, मैं मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ बढ़ते हैं आज की खास खबर की। थाने नगर निगम के 2022 में आम चुनाव के लिए थाने नगर निगम में कुल 47 वार्डों को विसर्जित किया गया है। इन 47 वार्डों में से तीनों सदस्यों में प्रत्येक के लिए एक वार्ड होगा। इन 47 वार्डों में से वार्ड संख्या 44 में बड़ी आबादी है और यह एक बड़ा वार्ड होने के कारण इस वार्ड में 4 सदस्य होंगे। घोषित वार्डों के गठन के बाद थाने महानगर पालिका की ओर से आपत्ति व सुझाव मांगने के लिए 14 फरवरी का समय दिया गया है, जिसके बाद वार्डों के गठन पर फैसला किया जाएगा। थाने नगर निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या 18,41,488 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की संख्या 1,26,003 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 42,688 है। इस वर्ष वार्डों में कुल संख्या मिलाकर 14 हो गई है, जिसमें 11 सदस्य बड़े हैं। 11 बड़े हुए सदस्यों में गोड़बंदर में 1, दिवा में 1, कलवा में 4 और वांगले स्टेट में 5 शामिल हैं। 47 वार्डों में से दिवा सबवे वार्ड क्रमांक 44 सबसे बड़ा है। यह वार्ड 44 में 4 सदस्य होंगे। इस वार्ड में 57,000 से ज्यादा मतदान है, जबकि अमृत नगर मुमरा वार्ड क्रमांक 40 में सबसे कम मतदान है। इस वार्ड में लगभग 34,000 मतदान है। तो आइए सुनते हैं इस विषय में थाने नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी का क्या कहना है। भविष्य निवडणुकीसाठी मतदार आपला प्रारूप आराखडा जो आहे मतदारांचा जाहीर झालेला आहे, काय सांगाल कशा प्रकारे हा आराखडा आहे आणि किती दिवस आहे? ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती प्रारूप आराखडा आज आपण पब्लिश केलेला आहे हरकती सूचनांसाठी। साधारणपणे राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शना सूचनेनुसार अजून आज आपण हे प्रारूप नकाशे आपण ह्यासाठी डिस्प्ले केलेले आहेत। सर्व प्रभाग समित्या, महापालिका मुख्यालय, बल्लाळ सभागृह या ठिकाणी आपण हे सगळे नकाशे आपण डिस्प्ले केलेले आहेत, जेणेकरून लोकांना त्याच्याविषयी हरकती सूचना घेता येतील। 14 फेब्रुवारी दुपारी 3 पर्यंत लोकांना, नागरिकांना आणि ज्यांना जे संबंधित असतील त्यांना ह्याविषयी हरकती अशी सूचना देता येतील। सर, या संदर्भात काय अधिकाऱ्यांशी बोलणं झालं काही सगळे अशी कशा प्रकारची प्रक्रिया असणार? प्रक्रिया हीच आहे, तरी सध्या आपण प्रारूप नकाशे डिस्प्ले केलेले आहेत, त्या अनुषंगाने ज्याला काही हरकती असतील किंवा सूचना करायच्या असतील त्या सूचना आपण स्वीकार 14 फेब्रुवारीपर्यंत स्वीकारणार आहोत 3 वाजेपर्यंत। त्यानंतर त्या हरकतीचा आणि सूचनांचा सांगोपांग विचार करून नंतरची पुढची प्रक्रिया आपण निश्चित करणार आहोत। नागरिकांसाठी कुठे असे नकाशे वगैरे लावून खुलं करणार आहे? आपण प्रत्येक प्रभाग समिती न्याय हे नकाशे लावणार आहोत, जेणेकरून नागरिकांना आणि सगळ्याच लोकांना त्या नकाशांची म्हणजे पाहणी करणं सोपं जाईल। तो ये तुम्हारी खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।